नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे अतरंगी फोनों की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना मतलब वाइडली वाइडली मतलब लगता ही नहीं है कि ये फोन है, लगता है कि ये एक शीशे का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। तो ऐसे फोनों पर हम बात करेंगे, क्या ऐसा संभव है? अगर बात करें तो संभव तो कुछ भी है भाई, आज की दुनिया में संभव कुछ भी है। 5G की टेक्नोलॉजी में भाई कुछ भी संभव है। 2023 यानी 2000 की जनरेशन में कुछ भी संभव है। लेकिन ये कब तक फोन आएगा, इसी के बारे में बात करेंगे। टोटली क्या हो पाएगा और कितने परसेंट काम हो सकता है, और इस पर रिसर्च कौन कौन कर रहा है, कौन कौन कंट्री ऐसे फोन के लिए रिसर्च कर रही है, क्या पूरा का पूरा मैटर है, पूरा का पूरा वीडियो बताऊंगा। और ऐसे फोन्स भी बताऊंगा, 5G फोन आप लोगों के लिए जो बेहतर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने पर पहले एक ही रिक्वेस्ट रहती है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, अगर इस फोन की बात की जाए जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक ऐसा फ़ोन है भाई जिसमें ना होने के चांस 105% हैं और होने के चांस 0%। मतलब इस पर रिसर्च तो चल रही है, लेकिन भाई हम इसको 100% ना समझते हैं। ये मतलब वही सपना है जो टाइम ट्रेवल्स का दिखाया जाता है। आपने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि भाई टाइम ट्रेवल की मशीन से आदमी टाइम ट्रेवल कर जाता है, फ्यूचर में चला जाता है, कभी पास्ट में चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस फ़ोन का मटेरियल है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये फ़ोन बन भी गया तो क्या क्या फीचर्स चल सकते हैं। देखिए, ऑप्शन को चलाया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन वॉल्यूम और आवाज़ के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। स्पीकर ऐसा बन नहीं सकता जो दिखे ना, मतलब दिखे ना, हाँ ठीक है, तो ऐसा स्पीकर बन नहीं सकता। ये फुल वाटरप्रूफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक वाईफाई के थ्रू चल सकता है, वो भी ठीक है। बैटरी ऐसी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, या हो भी सकती, चलो मान लिया, लेकिन बैटरी चलो मान लिया हो सकती है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट क्या 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 मतलब यार, ये असंभव है। तो इस पर रिसर्च हालांकि चाइना भी कर रहा है, कई एक देश और भी कर रहे हैं। ऐसे फ़ोन पर रिसर्च करेंगे तो भाई जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा। और रिसर्च की बात की जाए तो भाई टाइम ट्रेवल पर भी रिसर्च किया जा रहा है बराबर। टाइम ट्रेवल भाई आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आपको चलना पड़ेगा तो टाइम ट्रेवल हो सकता है, लेकिन लाइट से ज़्यादा स्पीड से कुछ नहीं चल सकता भाई, मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं चल सकता। इस पर बराबर रिसर्च चल रही है। अगर फ़ोन बनता है तो भाई आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, सबको पता चल जाएगा, क्योंकि महीनों के महीनों प्रॉपर न्यूज़ चलेगी इसकी। चलिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये वो ख्वाब है जो सपने में देखा जा सकता है, खुली आँखों से नहीं। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे 5G फोन्स की जो आप खुली आँखों से देख के और ख़रीद भी सकते हैं एक क्लिक में। ऑर्डर करिए, फ़ोन आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन नोकिया की, और ये भी बात कर लेते हैं नोकिया में मॉडल ऑर्डर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको 13 का मिलने वाला है, एंड्रॉयड 13, ठीक है, और 5G टेक्नोलॉजी होने वाली है, 2.2 गीगा हार्ट का हाई स्पीड टच होने वाला है भाई, ठीक है, और 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। और वहीं अगर चार्जिंग टाइप की बात की जाए तो टाइप सी हमको मिलने वाली है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 MP का होगा, LCD टाइप डिस्प्ले होने वाली है, और 720x1612 पिक्सल्स में चलने वाला है डिस्प्ले, और 90 का HZ रिफ्रेश रेट होने वाला है डिस्प्ले का, जो कि नॉर्मली फ़ोन में होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो भाई प्रॉब्लम होती है भाई, हैक हिलकता है, चिपकता है, सब कुछ होगा। और 6/128 में फ़ोन होने वाला है, 6 GB आपको इंटरनल मेमोरी मिलने वाली है, रैम उसके साथ साथ 5 GB आपको टर्बो मिलने वाली है। जब आप गेम खेलेंगे तो 5 GB और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आपका टोटली हो जाएगा 11 GB, ठीक है। 11/128 में आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। ब्लूटूथ USB आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा आपको, और 20W का चार्जर भी देने वाले हैं। 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलने वाला है। और मॉडल नंबर की अगर बात करें तो मॉडल नंबर होने वाला है नोकिया G42 5G। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ़ोन है अगर लेना चाहें। और रियर कैमरा की बात करें तो AAA कैमरा होने वाले हैं। अगर बैक कैमरे की बात करें तो केवल सिंगल कैमरा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि बाकी तो AI कैमरा है, उसका कुछ नहीं होता, वो यूज ही नहीं होता कभी, ठीक है। उसके लिए आपको 50 MP का कैमरा मिलने वाला है, और 3 दे बैटरी लाइफ, मतलब बैटरी आपकी 3 दिन चलने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं। 3 के बोल रहे भाई, 2 दिन तो आराम से काट देगा, 1.5 दिन तो काट ही देगा, ठीक है। 194 ग्राम का पूरा फ़ोन होने वाला है। और बात करी जाए तो टोटली कम्प्लीटली बिल्कुल ओके और परफेक्ट फ़ोन होने वाला है। अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो 12,000 के अंदर आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, 12,000 के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेस करेंगे तब 12 के समथिंग पड़ जाएगा, अगर ऑफलाइन लेते हैं तो 11 के आसपास आपको फ़ोन मिल जाना चाहिए। और 2 साल की वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और नोकिया वैसे भी यार कमाल की चीज़ बनाता है हमेशा से ही,
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।